कुछ मूवीज के ट्रेलर देखने के बाद ही मालूम पड़ जाता है कि ये वाली मूवी थिएटर्स में पिटने वाली है, और कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनका ट्रेलर देख के ही मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये वाली मूवी थिएटर्स में धमाका करने वाली है। तो मैं पठान मूवी देखने के लिए दोपहर के शो में गया था, तो जहां मैं गया था वहां पे दो चार सीट को छोड़ के ऑलमोस्ट सारा का सारा हाउस फुल था। SRK की लास्ट मूवी जीरो के बाद ही 4 साल के बाद मूवी आई है और जिसका हाइप तो वहां पे दिख ही रहा था, और मूवी देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये 4 साल वेट करने के लिए वर्थ इट थे। मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का है, लेकिन मूवी में आपको कहीं पे भी ऑलमोस्ट बोरियत फील नहीं होता है। अगर मूवी में आपको सॉन्ग्स नहीं पसंद है तो बात अलग है, बाकी मूवी के सॉन्ग्स तो आपने सुनी लिए होंगे जो कि ठीक लगे मुझे। और यार थिएटर में बात बात पे लोग चिल्ला रहे थे, चाहे हम बात करें स्टार्टिंग में शाहरुख खान की एंट्री पे, दीपिका की एंट्री पे, या फिर जॉन इब्राहिम की एंट्री पे, उसके बाद दीपिका और SRK के मिलने पे, फिर जॉन और SRK को साथ में देखने पे, और सेकंड हाफ में कैमियो के आने पर, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। बात करूँ मूवी के हाईलाइट यानी कि इसके एक्शन सीन्स की, तो वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आपने सैंक्ची मूवी देखी हो तो उसमें का बस वाला फाइट सीन, और रोबोट मूवी में चिट्टी का ट्रेन वाला फाइट सीन, और अब पठान का ये वाला फाइट सीन जबरदस्त है, देख के ही मजा आ जाता है। और अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की तो यहाँ पे सबने ही बहुत अच्छा काम किया है। मेरा मानना है कि हीरो के बाद अगर विलन की एक्टिंग मूवी के प्लॉट के हिसाब से अच्छी निकल जाती है तो मूवी के हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और नो डाउट कि जॉन अब्राहम इस रोल के लिए परफेक्ट थे। 2022 के स्टार्टिंग में KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि पठान 2023 के स्टार्टिंग में बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने वाली है? मूवी के विजुअल्स की बात करूँ तो एकदम टॉप नॉच तो नहीं थे, लेकिन हाँ अच्छे थे। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि पठान मूवी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर जैसी मूवीज आती है, तो इसीलिए मूवी के एंडिंग को इस तरह सेट किया है कि ये मूवी आगे बढ़ सके फ्यूचर में। और ये बात तो मान के ही चलो कि मूवी का लास्ट 20 मिनट्स आपका पैसा वसूल करवा के ही जाएगा, बाकी आपको मूवी में देशभक्ति वाली चीजें तो देखने को मिलेगी ही, और इसका जितना क्रेज देखने को मिल रहा है उस हिसाब से मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है कहां तक पहुंच पाएगी ये मूवी, 1000 करोड़ के क्लब में पहुंच पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।